15-20 चीज़ें तो हर आदमी के करियर में होती हैं। मेरा 40 साल का करियर हो गया है। टर्निंग पॉइंट्स मेरी कुछ एक फिल्में हैं, कुछ एक सीरियल हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट रहे, माइलस्टोन रहे, और वो आज भी मैं जब भी जहाँ ट्रेवल करता हूँ अराउंड द वर्ल्ड, मैं देखता हूँ कि लोगों के घरों में वो लाइब्रेरी, उनकी लाइब्रेरी का हिस्सा बने हुए हैं वो। जैसे ये जो है ज़िंदगी था, एक बड़ा पॉपुलर मेरा आइकॉनिक सीरियल है। फिर मेरी कुछ फिल्में हैं जैसे चश्मे बद्दूर है या एक दूजे के लिए है। एक मेरी फिल्म थी डेविड धवन के साथ जिसका नाम था हीरो नंबर वन। एक मेरा सीरियल था श्रीमान श्रीमती जो कि बहुत बेइंतहा पॉपुलर था। हम सब एक हैं एक प्रोग्राम था। एक मेरा छोटा सा शो था गुणी राम जिसमें खाली 13 एपिसोड थे, उसको भी लोग याद करते हैं, नहीं भूले अब तक। तो मैं ये मानता हूँ अगर आप अच्छा काम करें तो लोगों के जहन में वो रहता है बहुत देर तक। तब टीवी हमारे यहाँ इस तरह, जो आज हम टीवी देख रहे हैं ऐसा टीवी हमारे यहाँ पर आया नहीं था। हमारे यहाँ सिर्फ दूरदर्शन था जिसमें वो किसानों के प्रोग्राम चलते थे, कृषि दर्शन वगैरह चलता था, और एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ खास नहीं था। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं FTII से हूँ, तो वहाँ मैंने तमाम फिल्में देखी, तमाम वर्ल्ड सिनेमा को देखा, और ये भी देखा कि किस तरह से बाहर के देशों में टीवी स्टार फिल्म स्टार से भी ज़्यादा बड़े होते हैं कई दफ़ा। तो मैं इस कश्मकश में था कि मैं ये जो है ज़िंदगी सीरियल करूं कि नहीं करूं। जब मैंने कर लिया, और करने के बाद मुझे अभी भी याद है कि मैं 3-4 हफ्ते के बाद जब मैं लिंकिंग रोड पे ऐसे ही चल रहा था, मुझे पता नहीं था कि मैं नॉन आदमी हूं कि नहीं हूं, लेकिन सडनली मैंने देखा कि एक भीड़ मेरे पीछे पीछे चल रही है, और ऑटोग्राफ का ज़माना था तो बहुत सारे लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। और फिर वो गज़ीबो एक रेस्टोरेंट था वहाँ लिंकिंग रोड में, उसके बाहर एक अच्छी खासी लाइन लग गई और मुझे उस रेस्टोरेंट के अंदर जाना पड़ा थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए। फिर लोग उसके अंदर भी आ गए, फिर मैं एक रेस्टोरेंट की टेबल पे बैठा और मैंने, लोग लाइन से खड़े हुए थे और मैंने सबके लिए ऑटोग्राफ साइन किए। तो मुझे लगा अरे यार ये तो कुछ स्टार्डम वाली बात हो रही है। मैं एक चीज़ मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ह्यूमर किसी को नुकसान पहुँचा कर, किसी को नीचा दिखा कर, और किसी को नीचा इसलिए दिखाकर ताकि आप ज़्यादा सुपीरियर हैं, बिलो द बेल्ट ह्यूमर में आप डेल्व करें अगर, तो इस तरह के ह्यूमर को मैं सपोर्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि ये चीज़ें शॉर्टकट टू ह्यूमर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ह्यूमर जो है वो एक बहुत ही प्योर आर्ट फॉर्म है और उसको उसी तरह से डील करना चाहिए। कोई भी आदमी काम करे, ख़ासतौर पर अगर एक्टिंग करे, तो एक्टिंग में जो उसका हर शॉट होता है वो लास्ट ओवर ही होता है। बिकॉज ऐसा कोई मौका नहीं है कि आप किसी भी तरह से कुछ कम एफर्ट कर दें या कम काम कर दें या ऐसा काम करें जो कि पायदार ना हो। तो आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर काम यही सोचे करना पड़ता है कि ये लास्ट ओवर है, इसी में स्कोर करना है।